नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन हम तो वैसे ही करेंगे, लेकिन यहां पे कुछ नया है। जी हां, नया क्या है, ये हमारा जो है क्लास सिक्स, जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन माध्यमिक शिक्षा मंडल जो बोर्ड है उसमें का जो बुक है उसमें से लिया गया इंग्लिश, उसमें की एक स्टोरी है। अब यहाँ पे ये देखते हैं हम इसमें नया क्या चीज़ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोई भी स्टेट का बुक हो, इंग्लिश मीडियम की बुक होती है, फिर हिंदी मीडियम में जहाँ पे इंग्लिश की स्टोरी होती है वहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार से वर्ड मीनिंग्स लिखे होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग तो पता है, बहुत सारे का वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता था। तो अब यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ही इसका मीनिंग को भी इंग्लिश में ही बताया गया। ऐसे नहीं कि इंग्लिश का हिंदी में, अब हिंदी मैं तो आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इंग्लिश का, इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखा गया है। फ्लुएंट का मतलब क्या होता है, फिलोसफी का मतलब क्या होता है, जेस्टर का मतलब क्या होता है। तो इस प्रकार से देखिए, और भी देखिए बहुत सारी मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखेंगे उसका, यदि यहाँ पे जब स्टोरी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आके हम देख सकते हैं उसका वर्ड, यदि मीनिंग नहीं पता हो तो हम यहाँ पे आके हम पढ़ सकते हैं उसका मीनिंग क्या है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ कुछ ग्रामेटिकल मतलब कुछ एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं और क्वेश्चन आंसर है कुछ कुछ। हम यहाँ पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टोरी पहले ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इसे जल्दी से हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नया होने वाला है, तो लास्ट तक ये बने रहेंगे, बहुत ही अच्छी क्लास आज की होने वाली है। स्टोरी भी बहुत अच्छी है, तो सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। ट्रांसलेशन, गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। गोपाल भांड, गोपाल नाम है, भांड यानी होता है जो बर्तन बनाने वाले को भांड कहा जाता है। महाज्ञानी, अब जैसे नाम से पता है महा यानी बहुत ज़्यादा, ज्ञानी यानी जो जिसके पास ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, विद्वान जिसे कहा जाता है, तो गोपाल भांड और ये महाज्ञानी की कहानी है। सबसे पहला लाइन देखते हैं यहाँ पे और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। राजा कृष्ण चंद्र, ठीक है, से चंद्र पढ़ते द्र ऐसे, राजा कृष्ण चंद्र रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल। रूल्ड ओवर का मतलब होता है शासन करना। जैसे सभी राजा क्या करते थे, पहले शासन करते थे अलग अलग क्षेत्रों में, उनका एक एरिया रहता था, वैसे ही ये कहाँ पे रूल्ड ओवर करते थे यानी शासन करते थे, राजा कृष्ण चंद्र पार्ट ऑफ बंगाल मतलब बंगाल के एक हिस्से में, पार्ट यानी होता है हिस्सा, बंगाल आप सभी को होता है, बंगाल को बंगाल कहते हैं इंग्लिश में, तो बंगाल के एक छोटे एक हिस्से में शासन करते थे कौन, राजा कृष्णचंद्र। क्लियर हो गया लाइन, उसके बाद देखते हैं अबाउट 200 ईयर्स अगो। अच्छा, यहाँ पे उसके आगे भी हमने नहीं पढ़ा था, तो शासन किया करते थे कब, अबाउट 200 ईयर अगो। तो यहाँ पे अबाउट 200 ईयर्स अगो मतलब 200 साल के लगभग, 200 साल पहले या 200 साल के लगभग वो क्या क्या करते थे, राज किया करते थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 100 ईयर अगो, अगो यानी होता है पहले, यानी 200 साल पहले वो क्या किया करते थे, वहाँ पे शासन किया करते थे। उसके आगे देखते हैं हिस कोर्ट जेस्टर। अब यहाँ पे हिस कोर्ट जेस्टर लिखा हुआ है, तो हिस यानी उसके जो राजा के हैं, कोर्ट यानी होता है दरबार, जेस्चर, अब जेस्चर यानी यहाँ पे तो मैं लिखा हूँ विदूषक, लेकिन हमें जैसे कि पता है यहाँ पे इंग्लिश में उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, तो देखते हैं एक्चुअल में जेस्चर का मतलब क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पे जेस्चर का मतलब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेस्चर का मतलब लिखा हुआ है। जेस्चर यानी क्या लिखा हुआ है, देखिए अ मैन पेड बाई किंग फॉर मेकिंग पीपल लाफ। अब आपको समझ आ गया होगा, अ मैन एक आदमी पेड बाई किंग्स, पेड यानी होता है भुगतान करना, वेतन देना, पैसा देना, किंग्स यानी राजा के द्वारा पैसा दिया जाता है एक आदमी को, फॉर यानी के लिए, मेकिंग पीपल लाफ, मेकिंग यानी करना बनाना, जिसमें पीपल लाफ यानी लोगों को लाफ यानी हंसाना। तो आपको समझ आ गया जेस्चर किसे कहते हैं, राजा के द्वारा जिसे लोगों को हंसाने के लिए पैसा दिया जाता था, यानी कि आप समझ लीजिए कॉमेडियन जैसे बोलते हैं ना, वो कॉमेडियन जिसे क्या राजा महाराजा के पास, पहले टी वी का तो होता नहीं था, किसी के पास नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, हंसी ठिठोली के लिए अपने मौज मस्ती के लिए गायक भी रखते थे और नर्तकी भी रखते थे डांस वगैरह से देखने के लिए, आजकल तो अलग अलग शो आते हैं, वैसे ही कॉमेडी के लिए क्या करते थे, जैसे हमारे राजू श्रीवास्तव जी वगैरह हो गए और बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे, तो वो लोग कॉमेडी करते थे, वैसी कॉमेडी के लिए इन्हें रखते थे अपने पास पेड, उसे जेस्चर कहा जाता है। क्लियर हो गया, देखिए वहाँ पे मीनिंग में क्लियर लिखा हुआ है, इस कोर्ट जेस्चर वॉज गोपाल भांड, और उसका जो जैसे कि बताया आपको जो हंसाने वाला था वो उसका गोपाल भांड नाम था। दो, अब यहाँ पे इसे दाओग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे दो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दो, ठीक है, जी एच यहाँ पे साइलेंट होता है, दो, दो यानी होता है हालांकि, यद्यपि, जबकि, इस दो का यूज होता है, दो हालांकि गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीड, यानी गोपाल भांड हैड नॉट स्टडी मतलब गोपाल भांड ने स्टडी नहीं किया था, स्टडी यानी होता है अध्ययन करना, पढ़ाई करना, उसे स्टडी कहते हैं, स्टडीड पास्ट टेंस। उसने क्या किया था, पढ़ाई लिखाई नहीं की, सीधी सी बात है, उसने क्या किया था, पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, स्टडी नहीं की थी, बुक्स भी लिखा हुआ है, यानी किताब नहीं पढ़ी थी, किताब का अध्ययन नहीं किया था, किताबें नहीं पढ़ी थी। उसके बाद भी देखिए ही वॉज अ वेरी वाइस मैन, ही वॉज, वह था
अ याने एक, वेरी याने बहुत, वाइस मैन, वाइस याने बुद्धिमान, मैन याने आदमी। उसके बाद भी वो क्या था, वह बहुत विद्वान आदमी था। हालांकि उसने पुस्तक नहीं पढ़ी थी, उसके बाद भी वह बहुत विद्वान आदमी था। ठीक है, उसके बाद भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं अपने तरफ से इसे बता रहा हूँ कि उस वह बहुत विद्वान आदमी था, जबकि उसने पुस्तक भी नहीं पढ़ा था। अब देखते हैं उसके बाद, यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखो क्या, हाँ इतना ठीक है। Once a very learned man, once यानी एक बार, a very यानी एक बहुत, learned man, learned यानी होता है सीखा हुआ, जिसे हम विद्वान भी कहते हैं, man यानी आदमी, यानी विद्वान आदमी आया। एक बार एक विद्वान आदमी, महाज्ञानी पंडित, महाज्ञानी पंडित आप सभी समझते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान जो पंडित, came to the court, came यानी आया, to the court, अब कहाँ आया, the यानी कोर्ट में आया, दरबार, दरबार में आया, टू का यूज़ किए हैं, दिल्ली गया तो टू द दिल्ली, स्कूल गया तो टू स्कूल, घर गया टू होम, इस प्रकार से क्या होता है, टू का यूज़ करते हैं, कहीं जा रहे हैं कुछ, कहीं पे संबंध बताने के लिए कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो महाज्ञानी पंडित केम टू द कोर्ट, वो कहाँ आया, कोर्ट में आया, केम यानी होता आना। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस, ही स्पोक वह बोला करता था, यार बोलता था, स्पोक यानी बोलता था, स्पीक यानी बोलना, स्पीक का पास्ट टेंस क्या होता था, बोलना का, बोला ऐसे हो जाएगा ना, तो ही स्पोक वह बोलते थे, पास्ट टेंस है इसलिए, ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस सभी भारतीय भाषाओं को, ऑल यानी सभी, इंडियन यानी भारतीय, लैंग्वेजेस यानी भाषाओं, फ्लुएंटली, फ्लुएंटली यानी क्या होता है, धारा प्रवाह यानी एकदम अच्छे से पढ़ना, यानी कि कहीं पर अटकना नहीं, फ्लुएंट पढ़ना, जैसे हम बोलते हैं ना धारा प्रवाह, बिल्कुल बिना रुके एक साथ पढ़ने से फ्लुएंटली बोलते हैं। ठीक है, तो उसे धारा प्रवाह बोलते हैं, सभी भाषा को धारा प्रवाह बिना रुके पढ़ते थे, एंड परफेक्टली, और परफेक्टली यानी परफेक्ट यानी अच्छे से, बिल्कुल सही, उसे परफेक्ट कहते हैं, बिल्कुल सही से फ्लुएंटली सभी भारतीय भाषाओं को पढ़ते थे, पढ़ते थे यानी बोलते थे, स्पोक लिखा हुआ है, रीड नहीं लिखा हुआ है, स्पोक लिखा है यानी बोलते थे। ठीक है, ही हैड गुड नॉलेज, उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छी जानकारी थी, यानी बहुत अच्छा ज्ञान था। देखिए नॉलेज यानी जानकारी होता है, ज्ञान होता है, उसे नॉलेज कहते हैं। ही हैड, तो यहाँ पे हैड का यूज़ यानी उसके पास था, हर बार बताता हूँ, आई हैड अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल थी, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी, और आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, तो हैव हैड का यूज़ ऐसे होता है, हैड पास्ट टेंस में, और हैव हैज़ का यूज़ प्रेजेंट टेंस में। ही हैड गुड नॉलेज, उसके पास अच्छी जानकारी थी, अच्छी, अच्छा ज्ञान था, ऑफ फिलॉसफी, ऑफ यानी का, फिलॉसफी यानी होता है दर्शन शास्त्र। अब यहाँ पे भी देखते हैं फिलॉसफी का मतलब दिया हुआ है, देखिए फ्लुएंट यानी अभी आपको बताया था, यहाँ पे देख नहीं पाए थे, स्पीकिंग अ लैंग्वेज वेल, देखिए स्पीकिंग अ लैंग्वेज वेल यानी बोला करता, बोलना अ लैंग्वेज यानी एक भाषा को, वेल यानी अच्छे से एक भाषा को बोलना, यानी बिना रुके अच्छे से बोलना, वही है फ्लुएंट होता है। फिलॉसफी अभी हमने देखा, फिलॉसफी इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ नेचर एंड रियलिटी, स्टडी ऑफ नेचर, नेचर ना प्रकृति है ना, एंड रियलिटी, रियलिटी यानी सच्चाई और उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसे है उसके बारे में, वो उसको फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी के भी क्या थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे, जानकार थे, बहुत अच्छा नॉलेज था उनको फिलॉसफी और रिलीजन यानी धर्म और फिलॉसफी का, बहुत अच्छे जानकार थे, दर्शन शास्त्र जिसे कहा जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक के हर चीज़, तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। उसके बाद देखते हैं, ही आंसर्ड, वह आंसर्ड यानी उत्तर दिया करता था, यानी उत्तर देते थे, आंसर्ड यानी उत्तर देना, ईडी लगा पास्ट टेंस में, वह उत्तर देते थे ऑल द क्वेश्चंस यानी सभी प्रश्नों के, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के, वेरी वाइसली यानी बहुत होशियारी से, वाइस यानी बुद्धिमान, वाइसली यानी बुद्धिमानी से, जिसे हम हिंदी में होशियारी से भी बोल सकते हैं, बहुत बुद्धिमानी से, बहुत होशियारी से सभी प्रश्नों का उत्तर देते थे। पीपल वर अमेज्ड, लोग वर यानी थे, अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्य मैंने एकदम अमेज होने यानी आश्चर्य में पड़ जाना, अरे बाप रे ये क्या हो गया, उसे अमेज बोलते हैं, अमेजिंग बोलते हैं ना, अमेजिंग, व्हाट अमेजिंग मैन, कितना अमेजिंग आदमी यानी कितना आश्चर्य वाला, यानी उसे देख के आश्चर्य होता था। पीपल वर अमेज, लोगों को आश्चर्य होता था। टू टॉक टू हिम, टू टॉक टू हिम यानी उनसे बात करके, बट लेकिन नो वन कुड आइडेंटिफाई, नो वन कुड आइडेंटिफाई मतलब कोई एक, उनमें से कोई भी एक क्या, कुड याने नहीं कर सका, नो वन यानी कोई भी, कुड आइडेंटिफाई यानी नहीं कर सका, हिज मदर टंग, हिज मदर टंग यानी उसकी, मदर टंग यानी होता है मातृभाषा। ठीक है, सभी का मदर टंग अलग अलग होता है,
किसी का हिंदी, किसी का उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, गुजराती और बहुत सारे लैंग्वेज होंगे, उड़िया, छत्तीसगढ़ी होता है। तो ये सभी जो मदर टंग होते हैं उनकी भाषा जो है उसे कोई भी क्या नहीं कर पाया, पहचान नहीं सका। नो वन कुड आइडेंटिफाई, यानी कोई भी पहचान नहीं सका। आइडेंटिफाई यानी करना होता है पहचान करना, ठीक है। कोई भी पहचान नहीं पाया कि पहचान पाया कि आखिर इतनी सारी भाषा है तो बोलते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल मदर टंग कौन सी है, ठीक है। कई लोग इतने अच्छे से सब भाषा को बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता, और कई लोग क्या है इंग्लिश भी बोलेंगे हिंदी समझ आ जाता, अच्छा ये बिहार के हैं या फिर ये उड़ीसा साइड के हैं, तो उन लोगों की लैंग्वेज थोड़ी वैसी होती है। लेकिन ये इतने अच्छे से बोलते थे किसी को समझ ही नहीं आया कि इनकी भाषा क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या हुई, उसके बाद देखते हैं मदर टंग के बाद। व्हेनेवर दे आस्क्ड हिम, जब कभी व्हेनेवर यानी जब भी, दे आस्क्ड हिम, वे आस्क्ड यानी पूछना, हिम यानी उनसे, जब कभी वे उनसे पूछते थे, जब भी वो उनसे पूछते थे कि बताओ भाई आपका मदर टंग क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं है, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जब भी कोई पूछते थे कि बताओ भाई क्या आपका मदर टंग है, ही स्माइल एरोगेंटली, ठीक है, एरोगेंटली मतलब होता है घमंड से, गर्व से, ही स्माइल, वह मुस्कुराते थे घमंड से, गर्व से। अरे तुम लोग क्या जानोगे यार, समझ रहे हो ना आप, घमंड से किसको बोलते हैं स्माइल करना, तो बहुत स्माइल करते थे घमंड की, अरे मेरे कोई तुम लोग जान नहीं पाए यार। तो ये कुटिल हंसी जिसे बोलते हैं ना, कुटिल मुस्कुराना, वही है एरोगेंटली, ठीक है। वो ऐसे फिर क्या करते थे, स्माइल करते थे। ही सैड, उन्होंने कहा, अ ट्रूली वाइस मैन, एक सच्चा बुद्धिमान आदमी, विल यानी घागी के पास्ट सॉरी फ्यूचर टेंस है, इजली आसानी से करेगा, आसानी से, नो माई मदर टंग, टंग नो यानी जानेगा, जानेगा क्यों बोल रहा हूँ, नो यानी जानना होता है लेकिन विल के साथ यूज हुआ है, विल इजली नो, वो आसानी से जानेगा माई मदर टंग, मेरी मातृभाषा को, या मेरी मातृभाषा को, हाँ ठीक है भैया, मेरी मदर टंग को, मेरी मातृभाषा को वो क्या करेगा, जानेगा। मदर टंग यानी भी होता है बोली, जैसे मैं बता जो बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, एक सच्चा बुद्धिमान आदमी ही जान पाएगा मेरे मदर टंग को, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं उसके बाद, राजा कृष्णचंद्र वॉज वेरी अपसेट, राजा कृष्णचंद्र क्या हो गया, वेरी अपसेट यानी होता है बहुत ज्यादा उदास हो जाना, अपसेट हो जाना है ना भाई, बहुत ज्यादा उदास हो जाना, परेशान हो जाना। सो ही अनाउंस, तो उन्होंने, ही यानी वह भी होता है, उन्होंने अनाउंस करना यानी होता है घोषणा करना, ठीक है, घोषणा किया। अ रिवार्ड, एक रिवार्ड यानी होता है इनाम की, फॉर एनी वन, कोई भी, फॉर यानी के लिए, किसके लिए इनाम की घोषणा की, एनी वन हु, जो कोई भी, एनी वन हु यानी जो कोई भी, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, एनी वन हु, जो कोई भी, कुड टेल द पंडित्स मदर टंग, कुड यानी सकेगा, टेल द पंडित्स मदर टंग, टेल यानी बताना, ठीक है, जो कोई भी बता सकेगा पंडित के मदर टंग को, उसे क्या किया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, अनाउंस किया कि ठीक है, क्लियर हो गया कि इनाम दिया जाएगा जो भी उस पंडित के मदर टंग को बता पाएगा, पहचान पाएगा कि इसका मदर टंग है क्या। अब ऐसे घोषणा कर दी, फिर क्या हुआ, देखिए, ऑल द स्कॉलर्स, इसे स्कॉलर्स पढ़ेंगे, स्कॉलर्स यानी होता है देखिए विद्वान। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे देखते हैं स्कॉलर्स का मतलब दिया हुआ है क्या, ये तो मुझे पता था इसलिए मैंने लिख दिया, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे इसका मीनिंग पता हुआ था स्कॉलर्स का, लेकिन यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, देखिए स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलर यानी होता है वन हु नोस मच अबाउट अ सब्जेक्ट, ठीक है, इसे भी आपको समझा देता हूँ। वन हु नो यानी ऐसा कोई, हु यानी जो, ऐसा जो, नोस यानी जानता हो, नोस यानी जानता हो, मच यानी बहुत कुछ, मच यानी बहुत कुछ जानता हो, अबाउट यानी के बारे में, अ सब्जेक्ट यानी एक विषय के बारे में, यानी ऐसा व्यक्ति जो एक विषय के बारे में बहुत कुछ जानता हो उसे स्कॉलर कहते हैं। यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट में क्या हो, एक बहुत ज़्यादा प्रकांड हो, पंडित हो, जानकार हो, उसे स्कॉलर कहते हैं, ठीक है, विद्वान हो किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे बोलते हैं ना, अरे मैथ के टीचर हैं, मैथ में एकदम समझ लो टॉप के हैं, एक्सीलेंट है, तो वही है, किसी सब्जेक्ट में जानकार होना, विशेष होना, उसे स्कॉलर कहा जाता है। अब सीधी सी बात है, इसका मीनिंग वही हो गया, विद्वान होना, किसी चीज़ के बारे में जानना, बहुत जानकार होना, ठीक है। यहाँ पे और लिखा हुआ है आइडेंटिटी टू नो यानी जानना, वही क्लियर हो गया। अब यहाँ तक देखिए, क्लियर हो गया, कहाँ तक पहुँचे थे हम, मैं पढ़ना पलटाता हूँ, तो फिर हाँ यहाँ तक, ऑल द स्कॉलर्स, और जो सभी विद्वान थे, लिसन यानी सुनते थे टू महाज्ञानी अटेंटिवली, महाज्ञानी, उस महाज्ञानी पंडित को अटेंटिवली, अटेंटिवली यानी होता है ध्यानपूर्वक सुनते थे, सभी जो विद्वान थे उस महाज्ञानी को ध्यानपूर्वक सुनते थे। बट लेकिन
नो वन कुड आइडेंटिफाई, नो वन कुड कोई नहीं कर सका, कुड यानी सका, पास्ट टेंस में कैन का कुड हो जाता है। आइडेंटिफाई अभी आपको दिखाया, आइडेंटिफाई यानी क्या होता है, टू नो यानी जान सकना, कोई भी नहीं जान सका इस मदर टंग, उसकी मातृभाषा को कोई भी नहीं जान सका, जबकि इतने विद्वान थे, अच्छे ध्यान से सुनते थे, कहीं ना कहीं तो पकड़ आएगा, कहीं हो सकता है हिंदी बोलते बोलते उर्दू बोले तो हम समझ जाए अच्छा इसकी तो मदर टंग उर्दू है, या उर्दू बोलते बोलते कहीं पंजाबी वर्ड ले आया तो हम समझ जाए पंजाबी, समझ ही नहीं आ रहा था उन्हें। फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू यानी तुम पे लानत है, उसको सेम ऑन यू बोलते हैं एकदम सिंपल वर्ड में, यानी शर्मिंदा होना चाहिए तुम्हें, सेम होना चाहिए, सेम यानी शर्मिंदगी महसूस होना, सेम ऑन यू तुम पर लानत है। सैड द किंग एंग्रीली, सैड द किंग एंग्रीली लिखा हुआ है, एन भी लिखा हुआ है, सैड द किंग राजा ने कहा एंग्रीली, एंग्री से आपको पता है एंग्री यानी क्या होता है गुस्सा, एंग्रीली यानी गुस्से से, राजा ने गुस्से से कहा तुम सभी पर लानत है, इतने बुद्धिमान बोलते हो अपने आप को, कुछ जानते हो हो नहीं। ऑल द स्कॉलर्स वर, सभी विद्वान थे, वर यानी थे, क्या थे, अब यहाँ पे स्कॉलर साथ वर क्यों लगा, वॉस क्यों नहीं लगा, स्कॉलर्स एक से ज्यादा है इसलिए वर लगा है, यहीं पे केवल रहता वन स्कॉलर वॉस ऐसे था तो स्कॉलर के साथ वॉस लगता है, ऐसा लगा ना प्लूरल हो गया, बहुवचन के साथ वर लगता है, सिंगुलर के साथ वॉस, ठीक है। ऑल द स्कॉलर्स वर साइलेंट, सभी विद्वान साइलेंट यानी चुपचाप हो गए, चुप हो गए। गोपाल भांड स्टूड अप, गोपाल भांड खड़ा हुआ, स्टैंड अप यानी खड़ा होना, पास्ट टेंस है, शूट अप लिखे, गोपाल भांड खड़ा हुआ हेजिटेंटली, ठीक है, क्या लिखा हुआ है हेजिटेंटली, हेजिटेंटली यानी होता है हिचकिचाहट, देखिए मैंने लिखा हुआ है हेजिटेट होना, किसी बात को बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता हूँ मैं, हिचकिचाता हूँ, घबराना उसे बोलते हैं, हिचकिचाना, ठीक है। तो हेजिटेंटली स्टूड अप, बहुत हिचकिचा कर खड़ा हुआ, थोड़ा डर के कि इतने विद्वान लोगों को तो गाली पड़ गई है मैं कैसे, लेकिन फिर भी खड़ा हुआ। ही सैड, उसने कहा यो हाइनेस, हे महाराज, से यो हाइनेस यानी हे महाराज होता है, जैसे मूवी में देखते ना यो हाइनेस ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, वही हे महाराज, गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दो, चांस यानी होता मौका, मुझे एक मौका दीजिए, सॉरी मोबाइल हिल गया। How could you tell? तुम कैसे कह सकते हो, How could you tell? यानी तुम कैसे कह सकते हो, As the king, राजा ने कहा चांस दो, तुम कैसे कह सकते हो, Your Highness, हे महाराज, I won't talk, मैं बात नहीं करूँगा, I won't talk यानी मैं बात नहीं करूँगा, He will tell you himself, वह will यानी गागीगी, tell यानी कहना, तो वह कहेगा, He will tell यानी वह कहेगा, You himself यानी आपसे, himself यानी खुद से, यानी वह आपसे, वह आपको खुद से ही सब चीज़ बताएगा ना, खुद से आपको कहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। मैं क्या करूँगा, उससे बात भी नहीं करूँगा, लेकिन वो आपको खुद ही क्या करेगा, आपको बता देगा कि उसकी लैंग्वेज क्या है। आंसर्ड गोपाल भांड, गोपाल भांड ने ऐसा जवाब दिया, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द किंग वॉज वॉकिंग, राजा टहल रहा था, टहल रहे थे, अब बड़े हैं तो रहे थे बोलेंगे, यानी सम्मान दे रहे हैं। द किंग वॉज वॉकिंग, अब ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज या वर्ग के साथ, यहाँ पे वर्ब है, कोई भी काम में आईएनजी जुड़ा हुआ है, ईटिंग होता, रनिंग होता, तो उसमें हम आईएनजी जोड़ देते, तो रहा था, रही थी। द किंग वॉज वॉकिंग, राजा चल रहे थे, अभी ऐसे होता है द किंग वॉज रनिंग, तो राजा दौड़ रहे थे, द किंग वॉज ईटिंग, राजा खा रहे थे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। द किंग वॉज वॉकिंग, राजा चल रहे थे, इन हिज गार्डन, इन यानी में, हिज यानी उसके गार्डन यानी उद्यान बगीचा, अपने बगीचे में राजा चल रहे थे, क्लियर हो गया। वॉकिंग यानी चलना, टहलने को भी वॉकिंग कहा जाता है, ठीक है, अपने उद्यान में चल रहे थे, टहल रहे थे। गोपाल भांड रैन अप, रैन अप यानी रैन, यहाँ रैन हुआ रन का, रैन अप यानी दौड़ता हुआ आना को रैन अप बोलते हैं, ठीक है। गोपाल भांड रैन अप यानी गोपाल भांड दौड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, दौड़ने के बाद ये देखिए टहल रहा है तो वो दौड़ता हुआ आया, और क्या बोला उसके बाद देखिए, टू हिम, टू हिम यानी उसके पास, किसके पास दौड़ गया, हिम यानी उनके, उनके पास दौड़ता हुआ आया, क्विकली यानी जल्दी से, एंड सेड और कहा, आई हैव टोल्ड मैंने आपसे कहा था, आई हैव टोल्ड यानी मैंने आपसे कहा था, महाज्ञानी पंडित, दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम विद अ गार्लैंड ऑफ रोजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी यानी मैंने महाज्ञानी से कहा, महाज्ञानी पंडित से कहा, दैट यानी वह भी होता है, की होता है, मैंने महाज्ञानी पंडित से कहा कि यू आर गोइंग टू ऑनर हिम यानी यू आर गोइंग टू ऑनर हिम यानी तुम्हें, गोइंग टू यानी होता है दिया जाना, किया जाना, उसे गोइंग टू बोलते हैं, टू ऑनर यानी आपको दिया जाएगा, क्या ऑनर दिया जाएगा, इसे ऑनर नहीं पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे, एस साइलेंट होता है, ऑनर यानी होता है सम्मान देना, यानी तुम्हें सम्मान दिया जाएगा, हिम यानी उनके द्वारा, विद अ
गार्लैंड ऑफ रोजेस, गार्लैंड यानी होता है हार, ठीक है, माला जिसे बोलते हैं, हार ऑफ रोजेस, रोजेस यानी गुलाबों का हार, के हार से आपका सम्मान किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से राजा के द्वारा तुम्हारा क्या किया जाएगा, गुलाब के फूल से, गुलाब के हार से सम्मान किया जाएगा। क्लियर हो गया। वॉट, वॉट यानी देखिए यहाँ पे आश्चर्य यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, वॉट यानी होता है क्या, सेड द किंग सरप्राइजिंगली, ठीक है, सरप्राइजिंगली, इस प्रकार से सरप्राइजिंगली यानी होता है आश्चर्य से, राजा ने आश्चर्य से पूछा क्या तुमने ऐसे कहा, क्योंकि इसने, राजा ने तो ऐसे कुछ नहीं कहा था, इसने बताया कि भाई मैंने महाज्ञानी को जाके बोल दिया है कि राजा क्या करेंगे, यानी आपका बहुत ज़्यादा सम्मान होने वाला है गुलाब के हार से, ऐसे मैंने कहते हो। राजा पूछे एकदम आश्चर्य, अरे क्या ऐसे कब हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देखिए द नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले ही क्षण, उसे मोमेंट कहते हैं, अगले ही क्षण द किंग सॉ, राजा ने देखा, सी का पास्ट टेंस सॉ, राजा ने देखा महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली, ठीक है, एक्सपेक्टेंटली मतलब होता है उम्मीद से, देखिए एक्सपेक्ट करना, किसी से उम्मीद करना, तो राजा जो महाज्ञानी पंडित वॉकिंग यानी चल रहे थे इन, अभी लिखा हुआ है एक्सपेक्टेंटली, ठीक है, यानी उम्मीद से, एक्सपेक्ट करना आपको बताया, यानी बहुत ज़्यादा उम्मीद से चल रहे हैं कि अरे यार अब मुझे क्या मिलने वाला है, फूलों का हार मिलने वाला है, और चल रहे थे। ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ, वह थे, ही वॉज यानी वह थे, इन यानी में, सिल्क क्लॉथ यानी रेशम के कपड़े में, यानी वह रेशम के कपड़े में थे, यानी रेशम के कपड़े पहने हुए थे, सीधी सी बात है, और एकदम खुश होकर आ रहे थे कि अब तो मुझे हार मिलेगा। अचानक से क्या हुआ, देखिए गोपाल भांड हिड हिमसेल्फ, ये हाइड का हिड लिखा हुआ है, क्योंकि हाइड का पास्ट टेंस हिड होता है, हाइड में क्या होता है, एच आई डी ई लग जाता है, हाइड यानी छिपना, लेकिन हाइड का पास्ट टेंस हिड होता है, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस में, इसलिए हाइड का यूज नहीं किया, हिड का यूज किया। गोपाल भांड हिड हिमसेल्फ, गोपाल भांड ने हिड यानी छिपाया, हिमसेल्फ यानी खुद को छिपाया, बिहाइंड द हेज, बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड यानी होता है पीछे, द हेज, हेज यानी होती है, अब हेज यानी देखिए क्या होता है, मुझे पता है हेज का मतलब, लेकिन फिर भी इसके पीछे लिखा हुआ है, देखते हैं उसका मीनिंग, हेज, इसे हेड जी नहीं पढ़ेंगे, हेज पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे हेज लिखा हुआ है, देखिए एक्सपेक्ट, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेंट मतलब होता है, एक्सपेक्टेंट मतलब होता है होपफुल यानी आशा से, अब यहाँ पे देखिए हेज लिखा हुआ है, इसे हेड जी नहीं पढ़ेंगे, डी साइलेंट होता है, हेज ऐसे पढ़ेंगे, हेज यानी होता है अ रो ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, अ रो ऑफ प्लांट्स, प्लांट सॉरी रो यानी होता है ऐसे लाइन, रो यानी होता है ऐसे लाइन से, ठीक है, ऐसे लाइन से, प्लांट्स यानी पौधे, लाइन से ऐसे पौधों के ग्रोइंग यानी उगे हुए होते हैं, लाइन से सभी पौधे क्या होते हैं, ऐसे उगे हुए होते हैं, क्लोज, क्लोज यानी आसपास, टुगेदर यानी एक दूसरे के, यानी एक दूसरे के ऐसे आसपास क्या होता है, प्लांट जो पौधे क्या होते हैं, झाड़ी जो उगे होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुत सारे घना घना पौधा एक साथ उगे उसे क्या कहते हैं, झाड़ी, क्या कहते हैं, झाड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेज का मतलब अ रो ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग क्लोजर, सॉरी क्लोज टुगेदर, तो इसका मतलब होता है झाड़ी, झाड़ी आप सभी को पता है, एकदम पास पास उगे हुए होते, उसे झाड़ी कहते हैं, तो हेज का मतलब झाड़ी। देखिए इस प्रकार से हम क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ रहे हैं इस बार, यहाँ तक क्लियर हो गया। गोपाल भांड हिमसेल्फ हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज, यानी झाड़ियों के पीछे अपने आप को छिपा कर रखे थे, ये देखिए ये सभी झाड़ी है, ठीक है, समझ आ गया आपको। फिर क्या हुआ, देखिए एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज यानी जितनी जल्दी ही, जैसे ही द पंडित केम, पंडित आया, कम यानी आना, केम यानी आया, पास्ट टेंस, पंडित केम नियर द हेज, नियर यानी पास में, द हेज यानी झाड़ियों के पास आया, जैसे ही पंडित झाड़ियों के पास आया, क्लियर हो गया, ही पुट हिज लेग आउट एंड ट्रिप द पंडित, ही पुट हिज लेग आउट, ही पुट यानी उसने रखा, हिज लेग आउट यानी अपने पैर बाहर रखा, पुट यानी रखना, लेग आउट यानी पैर को बाहर रखना, यानी झाड़ी से अपने पैर को बाहर रख दिया, बाहर निकाल दिया, एंड ट्रिप द पंडित, और पंडित को गिरा दिया, ट्रिप यानी होता है फिसलना, पंडित को फिसला के क्या करवा दिया, गिरा दिया, द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन, महाज्ञानी पंडित गिर गया, गिर गए बोलूंगा, पंडित जी ऐसे गिर गए, फेल डाउन यानी नीचे गिरना, नीचे गिर गए, ऑन द फ्रेशली वाटर्ड, ऑन यानी पर, द फ्रेशली यानी होता है फ्रेशली यानी ताज़ा, ठीक है, देखिए ताज़ा पानी पे गिरे भाई, कीचड़ में नहीं गिरे, मड यानी होता है कीचड़, कीचड़ पे नहीं गिरे, फ्रेशली वाटर नीला नीला दिख रहा है ना, साफ पानी पे गिरे हैं, ठीक है, कीचड़ पे नहीं गिरे हैं, फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड यानी जो ग्राउंड यानी जो जमीन पे गिरा हुआ था ताज़ा पानी, उस पे पंडित जी क्या हुए, फिसल के गिर गया, यानी पैर फंसा गिरा, फेल डाउन नीचे गिर गया, ही सेट अप, ही सेट अप यानी वह खड़े हुए, सेट अप यानी उठ खड़े होना, एंड साउटेड एट गोपाल भांड, साउटेड यानी चिल्लाया, साउट यानी चिल्लाना, ईडी यानी पास्ट है, साउटेड यानी चिल्लाया, और चिल्लाया एट यानी पर गोपाल भांड, यानी गोपाल भांड पर चिल्लाया, इन हिज मदर टंग, देखिए आप पता चल गया आपको, गोपाल भांड पर चिल्लाया, इन यानी में
हिस यानी अपने या उसके बोलेंगे, मदर टंग यानी मातृभाषा में, अपनी बोली में, अपनी मातृभाषा में गोपाल भांड पर चिल्लाया। क्योंकि क्या होता है, आदमी कितना भी ज्ञानी हो, कुछ भी हो, कोई भी भाषा जानता हो, लेकिन जो उसकी एक्चुअल जो भाषा है ना, जब वो गिर जाता है तो उसके मुँह से अपनी ही भाषा, जैसे उदाहरण के रूप से जैसे हम गिर जाते हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हे भगवान हे राम ऐसे बोलते हैं। मान लीजिए आप मुस्लिम हैं आप, उर्दू जैसे भाषी हैं आप, यदि गिरते हैं तो आपके मुँह से हे अल्लाह या अल्लाह इस प्रकार से, या आपके या खुदा इस प्रकार से, मेरे ख्याल से ऐसे ही बोलते हैं, कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा, इस प्रकार से आप लोग बोलते हैं। या फिर हो सकता है अब्बा जान अम्मी जान, हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे हम बोलते हैं गिर जाते हैं तो अरे बाप रे इस टाइप से, तो आप लोग अम्मी जान अब्बा जान। तो ये उर्दू और हिंदी का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता है, बाकी पंजाबी वगैरह में जैसे होता है अलग अलग होते होंगे उसमें। तो क्या होता है, जो अपनी मदर टंग है उसमें ही आवाज़ निकलती है, और ये जैसी गिरे ना वैसी आवाज़ है, मदर टंग में अपना सीधा शुरू कर दिए गोपाल भांड पे चिल्लाना, जो उसकी मदर टंग थी। क्या मदर टंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और अपने मदर टंग में चिल्लाना शुरू कर दिया। अब सीधी सी बात रिवील हो गया भाई कि उसकी मदर टंग क्या थी। गोपाल भांड सैड, गोपाल भांड ने कहा, यो हाइनेस हे महाराज, नाव यू नो, अब आप जान सकते हैं, नाव यानी अब, यू नो यानी आप जानते हैं, अब आप जानते हैं, व्हाट द पंडित्स मदर टंग इज, व्हाट द यानी क्या है, पंडित से देखिए अपोस्ट्रोफी ने कहा कि के पंडित का मदर टंग, मदर टंग यानी मातृभाषा इज यानी है, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ यू नो, अब आप जानते हैं, व्हाट द पंडित्स मदर टंग इज, कि पंडित का मदर टंग क्या है, पंडित जी का मदर टंग क्या है, अब आप जान गए। तो देखिए, महाज्ञानी पंडित गॉट अप, महाज्ञानी पंडित उठ खड़े हुए यानी खड़े हुए, एंड सेड टू गोपाल भांड, और गोपाल भांड से कहा, यू वाइस मैन, तुम बुद्धिमान आदमी, तो हम ऐसे ही बोलेंगे यू वाइस मैन यानी तुम हे बुद्धिमान आदमी, यू हैव ट्रैप्ड मी, तुमने मुझे पकड़ लिया, यू हैव ट्रैप्ड मी मतलब तुमने मुझे पकड़ लिया ने, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंटली, सॉरी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, इंटेलिजेंटली, ठीक है, इंटेलिजेंटली मतलब होता है बुद्धिमानी से, इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, आपने क्या मुझे पकड़ लिया, बुद्धिमानी से मुझे पकड़ लिया, अपने दिमाग से, चतुराई से मुझे तुमने पकड़ लिया कि मेरी भाषा क्या है। एंड ही वेंट अवे, और वे वहाँ से चले गए, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या क्या हुआ अब आपकी स्टोरी को फिर से नहीं बताऊंगा, पूरा आपको पता है, महाज्ञानी आए और क्या क्या अपनी भाषा, फिर उन्होंने इनाम रखा, और एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने बोला अभी आपको बताऊंगा कैसे होगा, और उन्हें बोला इनाम मिलने वाला, जैसे पंडित जी आए पैर फिसला के गिरा दिए, गिरने के बाद अपनी मातृभाषा में चिल्लाना शुरू कर दिए, और यहाँ पे बता दिए राजा को, देखिए इनका मातृभाषा क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए मीनिंग आपको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा ग्रामर, 30 मिनट होने वाले, लेकिन आपको अगर पसंद आ रहा होगा तो बने रहिए, लाइक करेंगे। जेस्चर मैन पैड अभी आपको बता दिया, फ्लुएंट यानी होता है स्पीकिंग, ये भी बता दिया, अच्छे से बोलना, फिलॉसफी का भी आपको बता दिया था, तो बार बार टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा, आपका टाइम भी कीमती होता है, सॉरी अगर ज़्यादा टाइम लेते हो। आइडेंटिटी यहाँ पे आपको बता दिया था, आइडेंटिफाई यानी टू नो यानी जाना, स्कॉलर आपको बता दिया था, यहाँ भी बता दिया था, हेज भी बता दिया था, ट्रिप यानी मेक समवन फॉल यानी किसी को फंसाना, ट्रिप यानी फंसा कर गिराने को ट्रिप बोलते हैं, ट्रिक यहाँ पे ट्रिप और ट्रिक में अंतर, अ क्विक एंड क्लेवर वे टू डू समथिंग यानी ट्रिक यानी क्या होता है, एक क्विक और क्लेवर यानी जल्दी और चतुराई से भरा हुआ रास्ता जो कुछ करने के लिए हम यूज करते हैं, ट्रिक लगाते हैं, अरे यार कुछ काम जल्दी से हो जाए उसे ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, पानी निकाल रहे हो बहुत मेहनत से लेकिन कुछ ट्रिक लगा के जल्दी से, वही ट्रिक है, कुछ भी काम ट्रिक लगाना यानी दिमाग लगाना हम बोलते हैं। अटेंटिव यानी होता है केयरफुल होना, ठीक है, यानी सावधानी से, हेजिटेंट यानी होता है अनसर्टेन यानी अचानक से जिसे हम बोलते हैं, ठीक है यानी, और जैसे बोलते हैं अचानक से हिचकिचाना वही हो गया, और एरोगेंट यानी होता है प्राउड, एरोगेंट यानी प्राउड गर्व महसूस करना, यार फिर घमंड को भी प्राउड कहा जाता है, ईगो यानी वैसे घमंड होता है, प्राउड यानी गर्व, गर्व से इस प्रकार से, तो वहाँ पे जैसे घमंड से बोला था उसे आप गर्व से ही बोल सकते, गर्व से उन्होंने कहा ये मेरी भाषा है आप पता करके बताओ, तो ठीक है। ईगो यानी घमंड होता है, प्राउड यानी गर्व, दोनों में अंतर है, मुझे अपनी मातृभाषा पे गर्व है, गर्व होना यानी थोड़ी अच्छी बात होती है, घमंड होना यानी थोड़ा ओवर हो जाता है, ओवर हो जाना यानी बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना, तो घमंड को थोड़ा अच्छा नहीं लेते, प्राउड को अच्छा लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं अगर आपको देखना है प्लीज़ आप जा सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग का टाइम है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हमें ट्रू फॉल्स देखना है, गोपाल भांड न्यू मेनी लैंग्वेज, गोपाल भांड बहुत लैंग्वेज जानता था, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत, क्या गोपाल भांड बहुत सारे लैंग्वेज जानता था, लैंग्वेजेस नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉल्स, एफ लिख देता हूँ शॉर्टकट में, फॉल्स आएगा। महाज्ञानी वॉज अ प्राउड मैन,
महाज्ञानी गर्व वाला व्यक्ति था, मतलब प्राउड मैन यानी गर्व वाला व्यक्ति था, उसे गर्व था बहुत ज्यादा। हाँ था, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। उसने कहा था मुझे बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, इसलिए मुझे क्या है अपनी लैंग्वेज पे गर्व है। द किंग हैड मैनी स्कॉलर्स इन हिज कोर्ट, राजा के हैज हैड यानी उनके पास था, मैनी स्कॉलर्स बहुत सारे विद्वान, इन हिज कोर्ट यानी उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। क्या राजा के उसमें बहुत सारे विद्वान थे, आप बताइए, स्टोरी आपको पता है? हाँ थे, ट्रू, तभी तो वो लोग सुन रहे थे ध्यान से। द पंडित हैड गुड नॉलेज ऑफ डांस एंड म्यूजिक, पंडित को मतलब डांस और म्यूजिक का नॉलेज था ज़्यादा, बहुत अच्छा नॉलेज। क्या उसमें स्टोरी में ऐसी कहा गया है कि उन्हें डांस एंड नाचना और संगीत का उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था? नहीं, फॉल्स। उन्हें क्या था, फिलॉसफी और रिलीजन यानी उन्हें दर्शन शास्त्र और धर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, डांस और म्यूजिक का नहीं था, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर बंगाल, राजा कृष्णचंद्र बंगाल में रूल ओवर करते थे यानी शासन करते थे, आपको तो पहले लाइन में पता है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए, इसका आंसर आपको पता है। हु वाज गोपाल भांड, तो देखिए हमने जैसे पहले ही लाइन में हमने देखा था हु वाज गोपाल भांड, तो आपको जिस जो स्टूडेंट होंगे वो इस प्रकार से आंसर खोज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गोपाल भांड कौन थे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे हिज कोर्ट जेस्टर वाज गोपाल भांड, तो क्या जाएगा, गोपाल भांड वाज अ जेस्टर इन राजा कृष्णचंद्रास कोर्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि राजा चंद्र जो चंद्र के राजा चंद्र के जो कोर्ट में वो क्या थे, जेस्टर थे। इस प्रकार से हमें बनाना पड़ता है आंसर, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, आप सेम टू सेम उतार दोगे तो ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए व्हाई डिड द राजा अनाउंस अ रिवॉर्ड, राजा ने वहाँ पे रिवॉर्ड क्यों अनाउंस किया था, क्योंकि क्या हुआ था वहाँ पे जो जो आपके महाज्ञानी थे वो क्या कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज उन्हें पता करना था। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा उसका, टू नो द महाज्ञानी मदर टंग, टू नो द महाज्ञानी मदर टंग यानी महाज्ञानी के मदर टंग को जानने के लिए उन्होंने रिवार्ड रखा हुआ था। तो इस प्रकार से आप आंसर बना सकते हैं और बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आज का हमारा जो क्लास, आज की हमारी जो क्लास है यहीं भी समाप्त करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन आप यदि पसंद आई हो आज की क्लास, बहुत मेहनत करता हूँ, आप सभी जानते हैं, अभी देखिए बिना किसी रीटेक के इतना सारा पढ़ाना, और यहाँ पे अब खैर अब क्या बताऊँ, बहुत बहुत कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी बाद में करा दूँगा यदि आप बोलेंगे तो। तो ये थी अच्छी क्लास, थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे, और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो, बेसिक वीडियो जो आपकी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले आप लोग के लिए, वो मैं लेके आता हूँ। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।